हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आलू की तहारी बना रहे हैं। एक पतीली में मैंने एक कप ऑयल लेके गरम कर लिया है। उसमें मैं डालूंगी एक बड़े साइज का प्याज, उसको मैंने लच्छेदार काट लिया था। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज गुलाबी हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 2 से 3 अदद तेज़पत्ता या बे लीव्स, 1-2 इंच का दालचीनी का पीस और 2 मोटी इलायचियाँ डालकर इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। फिर इसमें 1/4 टीस्पून हमने काली मिर्चें ली हैं और 1/4 टीस्पून लौंगे ली हैं, वो हम इसमें डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। इसको 15 से 20 सेकंड तक हम लोग मिक्स करेंगे। 15 सेकंड बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डलेगा, 1/2 टीस्पून हल्दी डालूंगी, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ टमाटर डालूंगी और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी। टमाटर हम तब तक पकाएंगे जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के आलू मैंने काटे थे 2 इंच के पीसेस, वो डाल दूंगी और इसको अच्छे तरीके से हम भूनेंगे जब तक कि आलू कलर नहीं चेंज कर लेते। आलू अच्छे तरीके से भुन चुके हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कटा हुआ पुदीना, उसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सब कुछ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसमें मैं डालूंगी 2 ग्लास पानी। इसको मिक्स करेंगे और वेट करेंगे जब तक पानी उबलना शुरू हो जाएगा। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 3 कप चावल धुले हुए। मैंने इसको 4 से 5 पानी में धोया था। इसको डालकर हम मिक्स करेंगे। 3 से 5 मिनट बाद जब चावल स्टेज पर पहुंच जाएंगे तो हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको दम दे देंगे लोएस्ट फ्लेम पर। रेडी है हमारी तहारी। इसको आप गर्मा गर्म सर्व करें सलाद और रायते के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।